अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी पुलिस की लाठियों को हाथों से न रोकती। अगर जेल जाने से डरते तो प्रियंका गांधी जो हमारी लीडर है, जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, वो जहां जहां जाती हैं पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एजिटेशन करते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी एक कदम पीछे नहीं हटाया, आगे बढ़े, मजबूर किया। लखीमपुर के बारे में हमारे ये दोस्त पार्लियामेंट के मेंबर रहे और मंत्री रहे, ये बताएंगे लखीमपुर के अंदर क्या क्या परेशानियां थी। नहीं जाने दिया, उसके बाद गए और वहां पे जाके हमारे एक मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख, दूसरे मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख रुपए उनको दिए। और कोई सवाल? 2017 के चुनाव में न्याय यात्रा निकाली थी कांग्रेस ने जी, अकेले चलने की नीति बनाई थी 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार, मगर उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से एक या डेढ़ महीने पहले गठबंधन कर लिया, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। महंगाई के बारे में बताइए, महंगाई आसमान छू रही है। देखिए ये मुद्दा रहेगी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दी। महंगाई से कितनी परेशानी है पूरे देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की कीमत बॉम्बे में 120 रुपए है, यहाँ पे मुझे नहीं अंदाजा 107 110 रुपए है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मेरे पास उनका वीडियो है, आपके पास भी होगा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार की नाकामी कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। और हमारे ज़माने में कितनी थी ये भी आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 पर बैरल थी, आज कितनी है? आज $74 पर बैरल है। हमने $130 में 60-70 रुपए का दिया था, और ये एक $74 के अंदर 120 रुपए में दे रहे हैं। यहां मैं आपको ये भी बता दूं, एक बैरल में 159 लीटर होता, $74 को आप कैलकुलेट कीजिए करेंसी के अंदर अपनी, और 159 को डिवाइड कीजिए तो 38 रुपये पर लीटर आता। नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार जो क्रूड ऑयल 38 रुपये का खरीद रही है, वो देश के लोगों को 120 रुपये में बेच रही है, और उसके बाद भी कहते हैं कि वो देशभक्त है। ये